धार्मिक ग्रंथों की दुनिया की सबसे बड़ी पब्लिशर गीता प्रेस गोरखपुर ने अपने 100 साल पूरे कर लिए हैं, जिसको लेकर गीता प्रेस को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का सरकार ने ऐलान किया है। ये पुरस्कार अहिंसक और दूसरे गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की दिशा में योगदान के लिए दिया जाएगा। इस समय हम लोग गोरखपुर के विश्व प्रख्यात गीता प्रेस में हैं और गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली निर्णायक मंडल ने यह फैसला लिया है कि गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और इस समय हम लोग गीता प्रेस में हैं। आप देख सकते हैं कि गीता प्रेस विश्व विख्यात है और ये धार्मिक किताबों छापने के लिए गोरखपुर ही क्या, भारत ही क्या, पूरे विश्व में इसकी मांग रहती है। बताया जाता है कि जब रामानंद सागर रामायण लिखे थे तो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे आए थे और यहाँ पर जानकारी भी ली थी। आप देख सकते हैं कि कई तरह की किताबें यहाँ पे छपती हैं और ये कई भाषाओं में अब छपना यहाँ पर शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, गीता प्रेस ने 100 साल में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को आगे बढ़ाने की दिशा में काफी सराहनीय काम किया है। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा है, 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया जाने का निर्णय लिया गया है। गीता प्रेस इस साल अपनी शताब्दी मना रहा है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है। ये सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है। जयराम रमेश के सवालों पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी पलटवार किया और कहा, मैं जयराम रमेश जी ने आज एक ट्वीट किया है, मैं उसी संदर्भ में, चूंकि मैं गोरखपुर का सांसद हूँ, गीता प्रेस मेरे संसदीय क्षेत्र में आता है, मैं उनको ये जवाब देना चाहता हूँ और समस्त सनातनी 100 करोड़ विचारधारा जो इसके वाचक हैं, जो इसको पढ़ते हैं, गीता प्रेस हमने पढ़ा बचपन में, हमने श्लोकों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान रामायण से लेके गीता से लेके अनगिनत भाषाओं में, इस देश की हर भाषाओं में 15 लाख कॉपियां रोज छपती हैं और पूरे विश्व में जाती है। पहली बात तो ये जान लीजिए जयराम रमेश जी, और जयराम रमेश जी आप और आपके जितने भी कांग्रेसी जो आप लोग कूटनीति की राजनीति करते हैं, आपको इटली से लेके लंदन और वेस्टर्न कल्चर्स ज्यादा बेटर पसंद है, आप लोग शायद पाकिस्तानी शब्दों और पाकिस्तान को हमेशा लुभाने के लिए उनके वोट बैंक की जो राजनीति करते हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए गोरखपुर, मैं एयरपोर्ट में आप लोगों का स्वागत करूंगा, गीता प्रेस ले जाऊंगा, गांधी जी द्वारा लिखा हुआ लेटर पहले आप पढ़ें, वो लेटर को पढ़कर बताएं कि फिर उसके बाद आप लोग टिप्पणी करें गांधी जी क्या सोचते थे गीता प्रेस के बारे में, क्यों गांधी सम्मान से यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवाजा इस गीता प्रेस को, ये जानना आपके लिए, आप पूरे कांग्रेसियों के लिए, और अभी शाम तक आपके सारे विरोधी जितने भी मोदी जी के विरोधी हैं, मोदी विरोधी, शाम तक सब टपक पड़ेंगे टेलीविजन के डिबेट में अपना मुंह बड़ा बड़ा खोल के, सब लोगों को गोरखपुर गीता प्रेस आना चाहिए, गांधी जी का पहले आप लोग लेटर पढ़िए। जब गीता प्रेस में मौजूद मैनेजर लालमणि से बात की तो उन्होंने बताया, इसके लिए हम भारत सरकार को, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्यश्री महाराज जी को धन्यवाद देता हूं और इनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम लोगों की तो बस केवल एक सनातन धर्म की पुस्तकों को प्रकाशित और प्रचारित कर रहे हैं, घर घर तक गीता, रामचरितमानस और धार्मिक ग्रंथों को पहुंचाने का एक बीड़ा उठाए हुए हैं और उसी काम में लगे हुए हैं। कौन सा पुरस्कार किस लिए मिलता है, किसको मिलता है, क्यों मिलता है, इस होड़ में हम लोग कभी न रहे हैं और न रहने का विचार है। देखिए ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी।
गीता प्रेस के ट्रस्टी से मंच की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो गए हैं और इन्हें गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली निर्णायक मंडल ने ये फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बधाई दी है। सर, क्या कहना चाहेंगे और आपको 2021 गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है? इस विषय पर कुछ बोलने से पहले हमारे जो करोड़ों पाठ पाठक देश और विदेश में पूरे संसार में फैले हुए हैं, ये एक तरह से उनका सम्मान है। उनकी जो आत्मीयता हम लोगों के प्रति है, हमारी संस्था के प्रति है, जिसको वो अपनी ही संस्था मानते हैं, उन सभी के प्रति प्रधानमंत्री जी के द्वारा यह चयनित करना कि गांधी शांति पुरस्कार का हकदार गीता प्रेस है, ये वास्तव में उनका सम्मान है। जो लाखों करोड़ों लोग गीता प्रेस से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए हैं और गीता प्रेस को केवल एक प्रेस नहीं, एक तीर्थ के रूप में देखते हैं। गीता प्रेस की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक अब तक ये 41.7 करोड़ से ज्यादा किताबें छाप चुकी है। ये किताबें हिंदी के अलावा मराठी, गुजराती, उड़िया, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, नेपाली, अंग्रेजी, बांग्ला, तमिल, असमिया और मलयालम समेत 14 भाषाओं में है। आप देख सकते हैं कि किताबें जो हैं यहाँ पे पूरी रखी हुई हैं और कई तरह की धार्मिक किताबें यहाँ पर हैं। आप दिखाइए, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप देख सकते हैं ये सारी धार्मिक किताबें जो है यहाँ पे छप रही हैं और कई भाषाओं में छप रही हैं कि जो पाठक है वो कई तरह के तरीके के किताबों की मांग करते हैं, कई भाषाओं के लिए मांग करते थे। इसी को लेकर अब गीता प्रेस ना तो चंदा मांगती है और ना ही विज्ञापन लेती है। इसका सारा खर्च समाज के लोग ही उठाते हैं। ये वो लोग और संस्थाएं हैं जो छपाई में लगने वाले सामान किफायती कीमतों पर उपलब्ध करवाते हैं। यहाँ एक बात आपको और बता दें कि गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित संस्था या व्यक्ति को 1 करोड़ की राशि भी दी जाती है। गीता प्रेस अपनी परंपरा के मुताबिक किसी भी सम्मान को स्वीकार नहीं करता है। हालांकि बोर्ड मीटिंग में तय हुआ है कि परंपरा को तोड़ते हुए पुरस्कार स्वीकार किया जाएगा, लेकिन इसके साथ मिलने वाली धनराशि नहीं ली जाएगी। 29 अप्रैल 1923 को जय दयाल गोयंका, घनश्याम दास जलान और हनुमान प्रसाद पोद्दार ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ये गीता प्रेस के 100 साल पूरे हो गए हैं। अब गीता प्रेस को प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली टीम है उन्होंने निर्णय लिया है कि गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पे इनको सम्मानित किया जाएगा।